इंजन की क्रैंक आवाज कर गई है, इंजन की क्रैंक आवाज कर गई, सारा कुछ खुला पड़ा है। और इनके साथ दो इनके दोस्त भी आए हैं, एक हम... बहुत स्पेशल है। हाँ। अयूबिया, उसकी फैमिली रहती है। गाड़ी, गाड़ी।, गाड़ी कौन सी है? गाड़ी यार खैबर, तरह एक नए बंदे आए, उनका तारुफ कराते आगे से इनके मुंह से। भाई जी, मैंने मेरा मैं कह रहा, वो बंदा लॉलीपॉप बॉय कह रहा है। हां, तो जनाब हमारा जो है इंजन जो है पैक हो रहा है, तो बस थोड़ी देर लगेगी। कितनी देर लगेगी? टाइम लगेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि नेक्स्ट डे है, उस दिन हमारा मसला बन गया था, जिस वजह से हमारी डील नहीं हो सकी, जैसा कि हम वेट कर रहे थे भाई का। तो अभी हम एक जगह पे मौजूद हैं और भाई आ चुके हैं। आपको भाई से मिलवाते हैं, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, मगर आपको मिलवाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सामा भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ये सामा भाई आए हैं और आगे देख ले, ये लेने आए हैं। सामा भाई, आपने इंजन किधर किया है? डील करते साथ ही पूरी बात बताओ। हाँ। दो दिन से आए हाँ। भाई तीसरा दिन है आज सामा भाई का। और लेकिन हमारे पास नहीं आ सके थे, आ जाएंगे। और आ जाते साथ क्या हुआ है? इंजन की क्रैंक आवाज कर गई है, इंजन की क्रैंक आवाज कर गई, सारा कुछ खुला पड़ा है। और इनके साथ दो इनके दोस्त भी आए हैं, एक हम... बहुत स्पेशल है। हाँ। अयूबिया, उसकी फैमिली रहती है दरख्तों में, और वो भाई बैठे हुए हैं लास्ट में। ये मैट भाई हैं, इनकी फैमिली अयूबिया में होती है। वो भी बता दें, दुबई वाले भाई भी हैं। दुबई वाले कौन से? बाकी एक ये भाई हैं, इनका तारुफ। यार ये भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इनको इतने अच्छे हैं, जो कहो उसी टाइम होते। वाह, अच्छी चीज। बैठने का कहते हैं लेकिन आगे में समझ जाए, किधर मर्जी बैठा दो। बाकी यार भाई गाड़ी लेने आए हुए हैं, लेकिन मसला एक निकल आया, तो वो हम मसला सॉल्व करवा रहे हैं दिन के। तो हमने कहा चलो यार व्लॉग बना ही लेते हैं आगे का। तो इंजन खुला पड़ा है, सारे हमारे कार गाइस, सारे कार गाइस हैं इधर बैठे हुए हैं। काम खुला पड़ा है, इंजन के साथ कार गाइस की भी खुल गई है। हाँ, हम सब की खुली पड़ी है अभी। सुबह के ख्वार हो रहे हैं भाई, भाई दो दिन के ख्वार हो रहे हैं साथ, वैसे हम भी थोड़ा बहुत हुए हैं। मजीद आधे घंटे बाद कार गए इसके क्रैक में बात करनी है। नहीं, वो बात का है, वो सरप्राइज है ना, इनको अगले व्लॉग में दिखाना है। इनसे पहले बात की हुई, व्यूअर से बताया हुआ कि भाई दूसरा सरप्राइज बाद में दिखाएंगे। अच्छा, बाकी पहला सरप्राइज तो हमें मिला है ना, ये सरप्राइज जो मिला है, ये सरप्राइज हमें मिल गया। अजान हो रही है बाद में। जनाब हम वापस आ गए व्लॉग में, और अभी क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। उमर भाई तो यहाँ पे इंजन फिट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा इधर एक नया सिस्टम आया, ये भाई के पास एक स्पेशल टैलेंट है। हाँ, अभी बताएं क्या चलाने क्या लगे? स्टेट पाइप चलने लगा जी। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी 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 कौन सी है? गाड़ी यार खैबर, डीस तरह। जियो, ये हुई ना बात। ये देखो, हमने हमारी गाड़ी का इंजन तो नहीं हुआ, इधर से पानी गया। इधर भाई नासरी है फुल माहौल में, और इधर उमर साहब फुल माहौल में। अल्लाह यार, मोबाइल में मेरा पैकेज जो है ना, जैज टू जैज और यू टू यू है। अब आप बताओ कौन सा नंबर है? इधर नहीं छेड़ना, मैंने कुछ नहीं किया। खैर, इंजन पैक हो रहा है, अभी हम खाना शाना खाएंगे। हमारी भी साथ साथ इंजन के साथ ही पैक होनी है, जो खुली पड़ी है। तो बाकी मामला देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। तो ये देखो, ये मामला है सारे। तो बाकी उमर को असल में ठंड लग रही थी, इसलिए अंदर आ गए, बाकी और कोई मामला नहीं। भाई हमारे पास एक और हस्ती आई है, आपको उनका तारुफ कराते हैं। ये देखिए, अपने आपका तारुफ करा रहे क्या? नहीं, आपने इसका क्या नाम बताया तूने अभी? वो उमर भाई है यार। देख ले, मैंने तो नहीं बोला ना। नहीं, अभी आपने नहीं भाई, मैंने भी क्या कहा, मैंने भी क्या कहा, एक नए बंदे आए हैं, उनका तारुफ कराते आगे से इनके मुँह से। मैंने मेरा मैं नहीं कह रहा, वो बंदा लॉलीपॉप बॉय कह रहा। हाँ,
अब वो हो गया आप लॉलीपॉप क्या मेरा नाम उस्मान है भैया हाँ अच्छा भाई का नाम उस्मान है उस्मान भाई के साथ एक और भाई आए हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर मारो उसके मुंह पे सब तो पहले चैनल जैसे जैसे उसको शेयर मारे हैं जी वो टिकटॉकर को हाँ वो वीडियो आई हाँ शेयर मारे गए हैं नाहल मलिक देख वो रही यार फुफो लगती है ना यार वो वीडियो आपने देखी फुफो की आपने फुफो की पूरे ब्लॉक किया नहीं नहीं वैसे हकीकत बताओ तो उसकी कजन लगती है झूठ बोली यार फर्स्ट में सूट पहन गया कि सिलसिला है बता ना हमें आता मेरे से ज्यादा चोप बता पाया कजन इन रूम खैर ये भाई भी छोटे मोटे कार गए हैं मतलब ये वो स्टॉक गाड़ियों वाले हैं हाँ, अपनी बेच के बैठे हो वही बेच बना अब तो अपनी बेच के बैठे हो इसको मैं कह रहा हूँ वो ले दे मेरे पांच मॉडल वो नहीं मिलती है कि व्लॉग बन रहा है मीडिया पे चल रहा है मैं अल्फाज बोल नहीं सकता वरना मैं बड़वे को बताऊं बिल्कुल ये ढूंढ रहा ये भाई ये वो वाले भाई हैं यार वो गाड़ी वो वाली वो ऐसे है मैंने मुझे 6 मॉडल 18 लाख 18.5 की मिल रही है तो मैं 5 मॉडल के 20 लाख की में उसका 5 में बड़ा फर्क है ये वीडियो चढ़ गई भाई जान बात सुने 6 मॉडल आपको 18 लाख की मिल रही है अगर वो सारी बदले इसमें जो लिया वो ही तो फिर यार मैं तुझे अभी दिखा दूं एफएस के बदले तूने चीज ली है मुझे तो सिर्फ मैंने भी सुना है यार ये देखें आप ये सीन है यही हमारा सीन हुआ है उमर भाई अंदर गए हैं भाईजान ने हमारा खर्चा अच्छा खासा खोला आपको उमर की दिखाते हैं चल के दिल तो कर रहा है इसको बहुत मारा जाए मीटर आउट है सर दर्द कर रहा है मेरे अंदर है आज कोई तेरे अंदर हूँ यार ये सारे आज गलत बातें कर रहे हैं वो कहता है आज तू मेरे अंदर है मैं उसके अंदर कहाँ से घुस गया सारे हिले में यार आज क्योंकि बड़ा काम खुला हुआ है और सबकी खुली हुई है वो बाइक बेच दी मोटरसाइकिल ही लेनी यहाँ पे डीलिंग शुरू हो गई है खैर भाई मुझे गाड़ी का जरा काम शाम खुला हुआ है हाँ उमर भाई से पता करवाते हैं हम गाड़ी का क्या काम खुला है उमर भाई यार अपने जुबानी बताएं कि क्या गाड़ी का काम खुला है सीरियस होके मजाक से हट के अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ नहीं मतलब क्या मसला था आवाज कर रहा था इंजन इंजन आवाज कर रहा था तो हम की आवाज से अब क्रैंक ग्राइंड होगी पीस न्यू डालेंगे बाकी सारा काम होगा हाँ तो आपको दिखाएंगे अभी आपको दिखाएंगे ये सफाइयाँ होंगी और इंजन जैसे कि बाहर खुला पड़ा है ये सारा कुछ साफ होगा जो सामान गया है नहीं कर रहा इसकी गाड़ी का काम लेकिन मुझे अब याद आ गया कि आज जुमेरात है हाँ आज जुमेरात है कल जुमा है मेरा मेहमान आया हुआ है बिल्कुल भाई का मेहमान आया माजद भाईजान ठीक है भाई को हम बना लेंगे इनको खाना शाना खिला लेंगे घुमा लेंगे थोड़ा सा ओ ओ ओ वो गाड़ी नहीं दिखानी थी यार ब्लॉग में दिखाने लगा था ब्लर कर देंगे वो हल्की सी आग ही होगी खैर हम वो नई गाड़ी में फिर आएंगे इंशाल्लाह तो बस ये वाली गाड़ी पहले बंद हो जाए बंद होने के बाद जरा सेट मेट होके ओके ओके ये अपने मुकाम पे चली जाए फिर इंशाल्लाह हम अपनी नई गाड़ी का आपको दीदार कराएंगे सैर कराएंगे एंजॉय कराएंगे पोपट मजे अभी मजा आएगा ना भिड़ो खैर अभी जो काम होता है वो देखते हैं फिर तो जनाब हमारा जो है इंजन जो है पैक हो रहा तो थोड़ी देर लगी कितनी देर लगेगी टाइम लगेगा भाई टाइम लगेगा भाईजान क्योंकि इंजन पैक होगा फिर उसके बाद गाड़ी में फिटिंग होगी तो थोड़ा सा लंबा काम है 11:03 होगा हाँ रात के 11:03 होगा तो वैसे भी ये बंदा जागता है कोई बात नहीं कह रहा गाली नहीं देनी अच्छा घंटा पहले पैक हो जाए तो बस भाई अपनी बेगम थोड़ा बिजी था मसला आ गया मान है जी समा भाई को मैर कुछ नहीं कह रहा बाकी दो लोंडे और थे वो भगाए एफडी और वो भाग गए कहीं और इंजन बंद हो रहा है तो देखते हैं मामला जो तो भाई जान तीन मकैनिक इधर लाके ठका ठकाई चल रही है
बाकी गाने की वजह से जो है ना जरा मसला हो जाएगा, इसलिए बंद करेंगे वीडियो, बाद में बनाएंगे। जनाब सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारी हालत ठीक है, ठीक है, बुखार चढ़ गया है। मेरी बात है, तीन दिन से सोई नहीं आप, ठीक है, तीन दिन से नहीं सोया हुआ मैं, और बुरा हाल है अभी तो। व्लॉग बनाने की हिम्मत ज़रा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस बना रहे हैं आपके लिए। आवाज़ की कमी होगी, हिम्मत नहीं है, ठीक है। और अभी ये सीन है कि इंजन वापस फिट हो रहा है, वही ठंड से बुरा हाल है, क्योंकि हमें बुखार है तो ठंड ज़्यादा लग रही है। वरना ये देख सकते हैं जवान ने भाई जान हाफ बाजू पहना हुआ है, इंजन की सेटिंग की जा रही है। हाँ जी, तो खैर इंजन ये फिट करेंगे तो हम जो है अंदर जाते हैं। हिम्मत नहीं है इसलिए बात नहीं है कि बात की। तो जनाब आज है तीसरा दिन और आपका पांचवा दिन या चौथा दिन? चौथा दिन, ठीक है। और अभी हम पहुंच गए वर्कशॉप, ठीक है, आपको वर्कशॉप का घेड़ा कराते हैं। वर्कशॉप पहुँचे जाते हैं वर्कशॉप में और हम अपना उमर साहब को उठाते हैं जगह। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है कपड़े के अंदर, तो वो सोया पड़ा है गाड़ी, ये चेक कर सकते हैं, कपड़ा डाल के इंजन शिंजन लग गया हुआ है, तो ये देख सकते हैं हमारा ये बंदा सोया पड़ा है और हम पहुंच गए दुकान पे। उठो शाबाश, गाड़ी का कपड़ा उतारते हैं, गाड़ी का काम शुरू करवाते हैं। तो जनाब हम लोगों ने जो है गाड़ी का कपड़ा उतार लिया है और उमर को उठा दिया, बेचारा नींद से उसके साथ लागे, इसको बोला भी हाथ मुँह धो ले, लेकिन नहीं, ये जनाब फिर काम नहीं होगा कह रहा है। खैर अभी जो है कपड़ा शपड़ा उतार लिया, गाड़ी के ऊपर रोस पड़ी थी ये देख सकते हैं, अभी इसको हम करेंगे ओके, इसको हमने कुछ करना है, ठीक है, समझ जाए। हाँ हैं, नहीं नहीं, अच्छा तो जी अभी जो है बस ये पैकिंग शुरू होने लगी है, इंजन की वायरिंग शायरिंग लगेगी, इंजन इंजन बोल्ट ऑन फिट हो गया, वो मतलब कि बोल्ट लग गए, पूरा हो गया फुट हो गया, माउंट वगैरह लग गए, ठीक हो गया जी, इंजन के माउंट वगैरह सारा कुछ लग गया। अभी जो है सिर्फ वायरिंग रहती थी, कनेक्शन रहते थे, वो सारे अभी कनेक्ट करेंगे, तो जितने सेंसर हैं ये वो चालू कराते हैं। रात के लिए सोए हुए तो एक दो घंटे सोए थे, भाई की मेहरबानी है, पेन की वजह से हम सो गए थोड़ी देर, तो बस ये कनेक्ट होते हैं, तो आज इंशाल्लाह गाड़ी ओके होती है। तो भाई वो एक गाड़ी में बैठे हैं उसामा भाई, वो निकलेंगे तो फिर आपको वीडियो में दिखाएंगे, गाड़ी नहीं दिखानी तो आएंगे फिर दिखाते हैं, वो भी आ गए हमारे साथ, आपको उनके पास जाके दिखाते हैं। उसामा भाई जी कैसा लग रहा है चौथा दिन और ऐसी नींद राम वाली गल, सुती उठी हैं, बाल खिल रहे ने बिल्कुल, ये बात है कार गाइस जिसका दुख नहीं होता, ये जरा थोड़ा एक किस्म का एडवेंचर कह लो, बिल्कुल इस काम में मजा भी आता है, थकावट भी होती है और मजा आता है इस चीज का कि मेहनत कर रहे हैं, शुगर लगे रहते हैं, किसी काम तो लगे रहते हैं, घर वाले बेहतर है। बस अभी हम जो है जरा थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करते हैं, तो बाकी उमर को भी नाश्ता करवाते हैं, साथ साथ काम चलता रहेगा, सारी बात है। हमने आज गाड़ी ओके करनी, आज है तो जुमा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा सामान जो था मंगवाने वाला मंगवा लिया था और फिट कर लिया है, सिर्फ अब इंजन स्टार्ट करना बाकी है, कनेक्शन करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और फिर बस समझे सामा भाई गुड टू गो होंगे इंशाल्लाह, तो देखते हैं जो मामला होते, पहले नाश्ता कर लें हम लोग जनाब। बाकी सामा भाई भी बाहर आ गए हैं नाश्ता वाश्ता हमने छिक लिया है, इंजन की वायरिंग शायरिंग सारी पोपट हो गई है, ओके हो गई है, अभी क्या करने लगे जी, हम इंजन ऑयल डालने लगे हैं, इंजन ऑयल डालेंगे उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे तरीके से नहा धो के गाड़ी से स्टार्ट कराएंगे। हमारे जो ये जनाब है ना अभी तो नहाए नहीं है, आज जुमा है, क्या करते रहे अपने दोस्त के साथ, मेहमान के साथ, आज सुबह उठा तो नाड़ा ऐसे लटक गया, बल्कि वीडियो में आया होगा नाड़ा, अल्लाह माफ करे। छाना है तूने इसको, फिल्टर किया है क्या, ऑयल फिल्टर किया? हाँ हाँ फिर ठीक है। बाकी मामलात हाँ, ये उस रात को इतनी पड़ी है कि बस क्या ही कह रहे। तो जनाब काफ़ी देर बाद हम लोग वापस व्लॉग में आ गए हैं। अच्छा मैं व्लॉग ऑन करता हूँ, मैर में तो ऐसे करके देखता है, पता नहीं इसको क्या मसला है। खैर हमारा इंजन फिट हो गया, ऑयल शॉयल डाल गया, नया ऑयल डाला है, दोबारा नया ऑयल डाला है, ठीक है। अभी ये दो चार दिन पहले शायद व्लॉग में आया होगा जब ऑयल चेंज किया था हमने, ठीक है, इसने दोबारा ऑयल अभी चेंज किया है, नया मतलब कि ऑयल डाला है,
और फिल्टर भी दोबारा नया डाल गया, हर चीज़ नई हो गई है। अभी दोबारा इंजन आ गया अपनी जगह पर, ठीक है जी, इंजन हमारा फिट हो गया। अब जो है गाड़ी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट होनी है, बेल्ट शेल्ट लगी नहीं है। तो जनाब हमारी गाड़ी का इंजन सारा फिट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह A1 हो गई है, ओके हो गई है, गुड टू गो है। बस उसामा भाई ये बैठे हैं, बताओ ना सारी रात लगे रहे हैं। हाँ सारी रात लगे रहे हैं, ये भाईजान सोए हुए थे, ठीक है इधर सोए हुए थे। हाँ जुमा किसने नहीं पढ़ा जी? हाँ जी जुमा, ये इस बंदे ने जुमा नहीं पढ़ा है। कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती है, ठीक है चुप हो गया। खैर अभी जो है वो साउंड सिस्टम हम ये वाला साउंड सिस्टम जो है ना इधर फिट कर रहे हैं, ये करवाते हैं फिटमेंट इनकी, और एक ही हमारा जरा एक हम खुद से जुगाड़ लगा रहे हैं वो, और गाड़ी थोड़ी बारिश होने वाली है। सारी बात हम छोटा गाड़ी हाँ नट यार, नट की बात हो रही है यार, ये वाले नट की, ठीक है हाँ ये लंबा है ना, इसको छोटा करना है, उसको नहीं व्लॉग बनाना, लोग लंबा करने के लिए लेते हैं हम सीक्रेट वो अभी जरा बाद में दिखाएंगे। बाकी जो है गाड़ी बिल्कुल ओके होके खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी साउंड सिस्टम लगेगा, उसके बाद हम ज़रा कोई पेट पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम व्यू चेंज करेंगे, फिर बात करेंगे ना आगे पिच का सारा होगा। खैर हम ज़रा पिच का सारा पीछे पीछे छोड़ आ रहा है, पीछे 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 ये गाड़ी आ रही है GTI, वो पीछे मेरान है, एफएस दोनों फॉर सेल है, लेनी हो किसी ने तो उमर से रब्ता कर, जो इधर जो खड़ा हुआ इतना खूबसूरत वो सरप्राइज बाद में बताएंगे ना, समझा करें। खैर अभी जो है हम साउंड सिस्टम फिट करा लें, तो जिस टाइम मामलात होंगे फिर आपको एंड टाइम पे गुड बाय करते हुए गाड़ी को दिखाएंगे। अगेन वन थिंग, भाई का स्पेशल स्टाइल है हेयर, और ये भाई का भी कुछ स्टाइल था। हाँ इधर ये भाई को भी लो, ये भाई ने एक अदर स्पेशल, ये मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हाँ इसको थोड़ा टींग करना पड़ेगा, ठीक है, और ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त तो नहीं है अलग, समझ रहे हो, समझ रहा तो नहीं है अलग की कसम, दिल करता चपेड़े मारो मार के, लेकिन इसकी फैमिली इधर अयोध्या में दरख्तों में होती है, सो दैट्स व्हाई इसको हम साथ लेके आए कि चलो यार कोई चीज़ उठा के रख देते यार, यार ये पानी तो पकड़ाई यार, हाँ। ये लेके आई, ये इसको इसलिए ले आए हम साथ, बेचारा चला गया ऐसी जगह जहाँ पे दिखा नहीं सकते। खैर ब्लॉग इतना लंबा नहीं करेंगे, बल्कि हो गया तो ओ ओ ओ दर्द हो रही है यार इनको, वो ना टाइट होने वाले। खैर अभी जो हम काम कर लें, पूरी रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह, ये पूरी रिस्टोर होगी, इसके अंदर एक दिल का टुकड़ा रखेंगे, हाँ फिर हम इनके पास जाएंगे, फिर हम इस गाड़ी के सिस्टम करेंगे, फिर देखेंगे। तो अभी जरा पहले हम काम कर लें, मुका लें, हाथ भी आगे आ रहा है, तो काम मुका के फिर आगे दिखाते हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी हमारी जाने लगी है, बस यार ये जरा फिर कर रहा है, हमने डार्क करवाने लाइट भाईजान, जरा भाईजान लाइट बहुत है, हमने डार्क करवाने, इधर से करवा के जाएंगे, नहीं उधर जाएंगे, इधर से करवा के जाएंगे, नहीं मेरे पास वहां पे, नहीं इधर से करवा के जाएं यार, मैं वीडियो भेजूंगा स्पेशल, मेरे पास इधर से करवा के जाओगे फिर, नहीं मेरे पास जर्मनी का पेपर है, नहीं ठीक है मगर इधर से आप करवा के जाओ, डन हो गया, इसके पीछे कोई जाते हुए इधर से करवा के, इसके पीछे कोई और स्टोरी है असल में यार, ठीक है ये देख सकते हो, दो दिन थाने रह लिया यार, उन पास काट दियो, बख्श दे साडी जान, ओए जी पंजाब साहब देख रहे हो, ओए जी पंजाब दा भैन तेरे, आज नहीं दसे सी आपे दस सकते हैं। तो गाइस सीन कुछ ऐसे है कि हम लोगों ने गाड़ी ओके शोके करा ली और घर आ गए, और अब टाइम है व्लॉग को एंड करने का, क्योंकि हम खुद भी थक चुके हैं और उसामा लोग भी थक चुके हैं, और अभी हम मौजूद हैं ऑफिस में क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटी है, तो लिहाजा आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर व्लॉग मज़े का लगा आपको और इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।